हेलो दोस्तों, जी एस एम मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक सेट आया है, ओप्पो A37 है। इसमें ये दिक्कत है, कस्टमर का कहना है कि जब मैं यूज करता हूँ ये सेटअप को, जब मैं ये सेटअप को ऑन करता हूँ, किसी भी आइकन पे मैं टच करता हूँ तो ये दिक्कत आ रहा है। ये दिक्कत कस्टमर का कहना है, किसी भी आइकन पे मैं टच करता हूँ तो ये दिक्कत आ रहा है। आप किसी भी आइकन पे टच कर लो या कैलकुलेटर पे, ये दिक्कत आ रहा है। ये दिक्कत से कस्टमर बहुत परेशान है। कस्टमर बोल रहा है, मुझे बोल रहा था कि ये दिक्कत परमानेंट के लिए हट सकता है। मैं बोला उसको कि हाँ हट सकता है जी। वो बोला चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दो। मुझे बहुत परेशानी हो रहा है, बार बार मुझे ये अप बटन दाब के रखने से ये सॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है। और फिर इसको मैं ऑफ़ करके और चालू करता हूँ, तो यही दिक्कत आ रहा है। देख सकते हैं आप, बार बार बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ बटन दाबने के लिए। ये आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये परमानेंट के लिए कैसे हटाए। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है प्रिवेंट मिस ऑपरेशन मोड ट्रिगरेड बोल रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं लिख रहा है यू मे डिजेबल दिस फंक्शन इन सेटिंग जेस्चर एंड मोशन। ये लिख रहा है, ये बता रहा है कि सेटिंग के अंदर जाने के लिए ये कोई ऐसा सेटिंग है जिस पे लिखा हुआ है जेस्चर एंड मोशन। चलो आप लोग, मैं लाइव बता रहा हूँ कि ये परमानेंट के लिए कैसे हटेगा। आप लोग बने रहे और मेरे वीडियो मिसिंग नहीं करें। चलो इसका बटन मैं अप डाउन, अप का बटन दाब के इसके अंदर जाऊंगा। अप का बटन दाब दिए और ये रहा सेटिंग। सेटिंग के अंदर जाना है, जो स्क्रीन पर बता रहा था सेटिंग, और जेस्चर एंड मोशन ऑप्शन बता रहा था। ये आइकन को टच किए और ये सेटिंग के नीचे आएंगे और आप देख सकते हैं ये येलो कलर का फिंगर का निशान है, इस पर लिखा हुआ है जेस्चर एंड मोशन। इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो मैं वो स्क्रीन पे बताया था प्रिवेंट मिस ऑपरेशन लिखा हुआ था उसके स्क्रीन पर भी, वो चीज़ इसमें ऑन हो गया है। इसको मैं आज ऑफ करूँगा, प्रिवेंट मिस ऑपरेशन को ऑफ़ करूँगा। ये ऑन है, इसको ऑफ़ कर दिया। अब मैं चलो स्क्रीन पर ले आता हूँ आपको कि ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। इसको ऑफ़ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर इस पर कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं आप, किसी भी आइकन पर आप क्लिक करेंगे या कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, देखो 100% वर्क कर रहा है। इसका सॉल्यूशन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दो दिक्कतें आता है, एक तो ये सेटिंग से दिक्कत आता है, एक ये सेंसर के कारण दिक्कत आता है। अगर सेंसर में पानी या धूल मिट्टी जम जाता है, इसके कारण सेंसर वर्क नहीं करता, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। लेकिन ये सेंसर से दिक्कत नहीं था, ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड था, ये सेटिंग से दिक्कत था, इसलिए ये ठीक हो गया। अगर सेटिंग से भी दिक्कत नहीं रहता तो मैं सेंसर पे हार्ड वर्क करता, फिर ये ठीक होता। अभी तो ये सेटिंग से ठीक हो गया है, अब ये परमानेंट के लिए हट गया है। आप कस्टमर परेशान नहीं रहेगा, बार बार उसको अब बटन दाबने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।